दोस्तों, सीक्रेट्स ऑफ मिलियनेयर माइंड्स बुक के ऑथर ने अपनी किताब में बताया है कि अमीर लोग किस प्रकार की सोच रखते हैं जिसकी वजह से वो अमीर बन जाते हैं। उनकी ये किताब बहुत ज्यादा फेमस हुई है और इसके अंदर उन्होंने 17 ऐसे सिद्धांत समझाए हैं जो आपको अमीर बनने में और पैसा ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं, और उसी के कुछ सिद्धांत हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह आप अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं। इन सिद्धांतों को समझ के आप भी अमीर लोगों की तरह सोचने लगेंगे तो ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसे एंड तक पूरा देखना। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अमीर लोग पैसे को क्रिटिसाइज नहीं करते। दोस्तों, अमीर सोच रखने वाले कभी भी मनी को बुरा नहीं मानते, ना ही दूसरे अमीर लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं, जबकि गरीब सोच रखने वाले हमेशा अमीरों को क्रिटिसाइज करते हैं और बुरा भला बोलते हैं। आपने ये डायलॉग जरूर सुने होंगे कि पैसा सभी बीमारियों की जड़ है, पैसा ही सब कुछ होता है, पैसे वाले लोग लालची होते हैं, इस तरह की स्टेटमेंट्स। अब ऐसी सोच रखने से क्या हो सकता है? यदि कोई ऐसी सोच रखेगा कि पैसा बुरा है तो इससे उसके ब्रेन में एक सिग्नल जाता है कि पैसा एक बुरी चीज है। ऐसे में ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है, वो ये समझता है कि पैसा बुरा है और उससे दूर रहना चाहिए। इसलिए ऐसी सोच रखने वाले के ब्रेन में कभी भी पैसा कमाने के बड़े आइडियाज नहीं आ पाते। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो शायद सुना ही होगा। इस लॉ के मुताबिक अगर कोई चीज हमें अट्रैक्ट करती है तो हम भी उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और किसी भी चीज को क्रिटिसाइज करके अट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। दूसरी बात जो अमीर लोगों में होती है कि वो अपनी लाइफ को खुद बनाने की सोच रखते हैं। अमीर सोच रखने वाले सोचते हैं कि वो अपनी लाइफ को खुद बना या बिगाड़ सकते हैं, उनकी लाइफ परिस्थितियों की मोहताज नहीं होती। एक गरीब घर में पैदा होने वाला बच्चा भी अगर ऐसी सोच रख ले तो वो अपनी लाइफ बदल लेगा और सच में वह एक दिन अमीर भी बन सकता है। लेकिन अगर वह ये मान ले कि मैं तो गरीब पैदा हुआ, ये मेरी लाइफ है, मैं ऐसे ही मर जाऊंगा। शूज की मशहूर कंपनी बाटा का नाम तो आप सबने सुना है। क्या आप जानते हैं कि पहले उसके मालिक मोची का काम करते थे, लेकिन अमीरों की तरह बड़ी सोच रखने के कारण आज वो अरबपति बन चुके हैं। अगर वो यही सोचते कि मैं तो मोची हूँ, मैं जिंदगी भर सिर्फ मोची का ही काम करूंगा, तो क्या वो कभी अमीर बन पाते? इसलिए मेंटेलिटी ऐसी रखो कि आप जो चाहते हैं वैसा बने और वैसा ही काम करें। तीसरा जो मेन पॉइंट है वो है कि अमीर लोग दिन में 16 घंटे काम करते हैं। दोस्तों, अमीर बनने की सोच रखने वाले मेहनत से नहीं घबराते, वो अपने काम से प्यार करते हैं और कई बार तो दिन के 16-16 घंटे भी इसमें जुटे रहते हैं। इंडिया के वर्ल्ड फेमस बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर दिन में 16-16 घंटे अपनी बैटिंग टेक्निक पर मेहनत करते थे। बहुत बड़े खिलाड़ी बनने के बावजूद भी उन्होंने प्रतिदिन प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ा। मेहनत और लगन से काम करने के कारण ही आज वो इतने अमीर बन पाए हैं और वो इतनी महान शख्सियत हैं। वहीं दूसरी ओर गरीब सोच रखने वाले किसी भी काम में ध्यान नहीं देते, उन्हें सब कुछ पका पकाया चाहिए, आलसी होने के कारण सोते रहते हैं और इस तरह गरीबी में ही रह जाते हैं। अंततः मेहनत की आदत डालनी चाहिए, तभी आप लाइफ में अमीर बन पाएंगे। और फोर्थ पॉइंट है कि रिच थिंकिंग वाले लोग पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं। ऑथर ने एक बहुत अच्छा मुहावरा दिया है कि यदि चील की तरह उड़ना चाहते हो तो बत्तखों के साथ रहना छोड़ दो। ये सही बात है। बत्तख कैसे ऊंचा उड़ना सीख सकती है? अगर किसी को एक्टर बनना है तो उसे थिएटर या फिल्म से जुड़े लोगों से मिलना चाहिए। कबड्डी प्लेयर बनने की इच्छा हो तो कबड्डी प्लेयर के साथ रहना शुरू कर दीजिए। एंटरप्रेन्योर बनना है तो दूसरे सफल व्यवसायियों के साथ उठना बैठना शुरू करिए। ऐसे लोगों की संगत ही आपको आगे की तरफ लेकर जा सकती है और यही आपकी सक्सेस का एकमात्र रास्ता साबित होगा। इसलिए ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे, ना कि पीछे जाने में। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को एक लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी।